में अगर मेडिकल में ये बात सच्चा प्रूफ होता है कि बीएस के साथ गलत हुआ है, मेडिकल कराएंगे तो हम जानते हो औरत दूंगा अच्छा से कम 15 वर्ष का सजा है। बिहार के जमुई में एक अनोखी शादी हुई है। यहाँ रिश्ते के भाई बहन की समाज ने शादी करा दी। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। अब जो भी शादी की बात को सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है। पूरा मामला सोनो इलाके के औरैया गांव का है। प्रेमिका झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली है, जबकि प्रेमी जमुई के सोनो इलाके का है। रिश्ते में दोनों ही मौसेरे भाई बहन है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के सूरत में दोनों का इश्क परवान चढ़ा था। हालांकि जमुई आते ही प्रेमी बेवफा हो गया। घर वालों ने प्रेमी की दूसरी जगह शादी तय कर दी। प्रेमिका को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो वो बेचैन हो गई। प्रेमी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर प्रेमिका ने अपने घर वालों के सामने सारी कहानी बयां की। प्रेमिका के घर वाले अपनी बेटी को लेकर प्रेमी के गाँव पहुँच गए, लोगों को पूरी जानकारी दी, फिर पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस की पहल पर सामाजिक पंचायत हुई। प्रेमिका ने इस दौरान बताया कि प्रेमी के साथ ही वो सूरत की एक कंपनी में काम करती थी। काम करते करते नजदीकियां बरतनी बढ़ गई कि वो शादी करने का ख्वाब देखने लगे। मौका देखकर वो हमबिस्तर भी होने लगे। प्रेमी उसे जिंदगी भर का साथी बनाने का सपने दिखाने लगा, लेकिन फिर वो बेवफाई पर उतर आया। हालांकि पुलिस और ग्रामीणों के सामने प्रेमी और उसकी माँ टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर पुलिस ने कानूनी दांव पेच के बारे में जानकारी दी तो प्रेमी शादी के लिए तैयार हो गया। दबाव बढ़ता देख तुरंत ही शादी का फैसला ले लिया गया। तब तक रात हो चुकी थी, घर में लाइट भी नहीं थी। तब कुछ लोगों ने टॉर्च जलाया और फिर रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में ही प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा दी गई। ये शादी प्रेमी के घर में ही संपन्न कराई गई। हालांकि प्रेमी और उसके परिजन अभी भी शादी से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जबरदस्ती की यह शादी हुई है। हालांकि प्रेमिका और उसके घर वाले इस शादी से काफी खुश हैं। अगर मेडिकल में ये बात सच्चा प्रूफ होता है कि बीएस के साथ गलत हुआ है, मेडिकल कराएंगे तो हम जानते हो औरत दूंगा अच्छा से कम 15 वर्ष का सजा है। इसके बाद अब तुम बताओ, समझा रहे हैं, अब तुम बताओ जो इसका मेडिकल होगा कि क्या होगा। अब तुम जो कहोगे वही हम करेंगे, इसलिए कि तुम चिल्लाई इसको मार रहे थे। तुमको बेटा को समझाना चाहिए। अगर तुम्हारी बात सुन, अगर तुम्हारी बहन ले आके चाहे कोनो औरत, कोई औरत अपना नैयर उधर जाए या ससुराल या कहीं जाए चाहे बाहर जाए, अगर तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी को सौंप कर जाए। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।